आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड यानी बीए फाइनल राजनीति विज्ञान का जो आपके सेकंड पेपर होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अथवा अंतर्राष्ट्रीय विश्व की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित, तो उससे संबंधित आज हम मोस्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इससे पहले हम लगभग 4 मोस्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो पढ़ चुके हैं और ये लगभग 5वां वीडियो है जिसमें आपके लिए बहुत ही यानी अच्छे अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो आप अवश्य ही देखिएगा। इसके अलावा बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न, सभी तरह के वीडियो जो है अपलोड हो रहे हैं, सारे पार्ट भी अपलोड हो रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर देखिएगा। इसमें लगभग हम 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि आसियान के सदस्य देशों के नाम लिखिए। आसियान के सदस्य देशों में एक तो है ब्रुनेई दारुसलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये छोटे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न आ जाता है कि पूर्वी एशिया के प्रमुख देशों के नाम लिखिए। पूर्वी एशिया के प्रमुख जो देश है उसमें चीन, हांगकांग, जापान, मकाऊ, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान पूर्वी एशिया के प्रमुख देश है। अगर प्रश्न आ जाता है भारत आसियान संबंधों में 25 जनवरी 2018 का क्या महत्व है, 25 जनवरी 2018 का भारत आसियान संबंधों में क्या महत्व, तो भारत आसियान वार्ता के 25 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में भारत की मेजबानी में आसियान स्मारक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत, अर्थात प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी समेत 10 आसियान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे और सम्मेलन का विषय था शेयर्ड वैल्यूज कॉमन डेस्टिनी, यानी इससे संबंधित जो है, और वो था 25 जनवरी 2018 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा भी, यानी बहुत ही अच्छा कदम था। अगला प्रश्न आ जाता है पूर्व में काम करो नीति क्या है, एक्ट ईस्ट क्या है। भारत में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में आयोजित 12वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 9वें पूर्वी एशियाई शिखर बैठक जो नवंबर 2014 में भारत की विदेश नीति पूर्व की ओर देखो से पूर्व में काम करो नीति में बदला, बदलते हुए सक्रियता और गतिशीलता प्रदान की। यानी भारत के जो प्रधानमंत्री और म्यांमार के प्रधानमंत्री या इनके बीच में जो 12वें आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ उसमें 9वीं यानी 9वां जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हुआ था 14 में, उसमें भारत की विदेश नीति पूर्व की ओर देखो से पूर्व में काम करो में, जिससे पूर्व की ओर देखो को बदला किसमें, पूर्व में काम करो, एक्ट इसमें बदला गया। और इसके बाद मोदी जी ने आसियान और पूर्वी एशिया के अनेक देशों की यात्राएं की, व्यापारिक रिश्तों को ऊंचाइयों पर ले गए। भारत के पड़ोसी 4 देशों के नाम लिखिए, वह है भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। इस प्रकार आप, यानी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। शिमला समझौता का संबंध किन देशों से है, शिमला समझौता का संबंध भारत पाकिस्तान के मध्य 28 जून 1972 को शिमला में समझौता संपन्न हुआ और जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। 28 जून 1972 को हुआ था ये। अगर मान लो किसी प्रकार की कोई डेट, जैसे मान लो 28 जून 1972 बोला, अगर मान लो किसी प्रश्न में कोई थोड़ी सी मिस्टेक रह भी जाती है तो आप मुझे जरूर सूचित कीजिएगा कि सर इसके स्थान पर यह होना चाहिए, मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बोलते वक्त भी या टाइप करते वक्त भी उसमें मिस्टेक रह जाती है, तो इसलिए आप जरूर अगर कहीं आपको लगे तो मुझे जरूर लिख के बताइएगा। कच्छ दीव टापू विवाद का मसला किन देशों के बीच रहा है, कच्छ दीव यानी भारत श्रीलंका के मध्य कच्छ दीव टापू विवाद का मसला रहा है, तो किसके मध्य रहा, भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत ने राजीव जयवर्धन ने समझौते पर हस्ताक्षर कब किए, राजीव जयवर्धन ने समझौते जो श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ था 29 जुलाई 1987 को, कब किए थे, 29 जुलाई 1987 को भारत श्रीलंका के मध्य संपन्न राजीव जयवर्धन ने समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर किए और श्रीलंका में राजीव जयवर्धन ने समझौते के अंतर्गत भारतीय शांति सेनाएं भी भेजी गई। ये श्रीलंका में भारत से शांति सेनाएं भी भेजी गई थी। प्रश्न आ जाता है कि फरक्का समस्या का संबंध किससे है, फरक्का समस्या भारत बांग्लादेश के बीच गंगा के पानी के बंटवारे से संबंधित है।
गंगाजल बंटवारे से संबंधित है, यानी भारत गंगा नदी के पानी के बंटवारे से संबंधित है जो भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। कोलंबो प्रस्ताव किससे संबंधित है, और कोलंबो प्रस्ताव भारत चीन के मध्य सीमा विवाद को हल करने के लिए दिसंबर 1962 में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे उससे संबंधित है। ये किससे संबंधित, भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद से संबंधित है। चीन के साथ नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने के लिए शांति बहाली समझौता क्या था, और वो था भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने सितंबर 1993 में चीन यात्रा के समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बहाली के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे सितंबर 1993 में, और वो किसके लिए, भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने चीन यात्रा के समय। तो यूं कह सकते हैं कि शांति बहाली समझौता किससे संबंधित था, भारत चीन से संबंधित था। ये देश दो चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान है किस देश के लिए कहा गया है, और ये कथन कहा गया है नेपाल के लिए। किसके लिए कहा गया है, नेपाल के लिए कहा गया है। फरक्का संधि क्या है, फरक्का संधि श्रीमती शेख हसीना और एच.डी. देवेगौड़ा ने 10 दिसंबर 1996 को फरक्का में गंगाजल बंटवारे की एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और फरक्का संधि उसी समझौते से संबंधित है, यानी गंगाजल बंटवारे से संबंधित है। तुलबुल नौवहन परियोजना का संबंध किन देशों से, तुलबुल नौवहन परियोजना, और तुलबुल नौवहन परियोजना है भारत पाकिस्तान से संबंधित। किससे है, भारत पाकिस्तान से। बस राजनय किससे संबंधित है, बस राजनय भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। किससे संबंधित है, भारत बांग्लादेश से संबंधित है। करगिल संकट किससे संबंधित है, करगिल संकट भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है, भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। नेहरू युग में किन दो मुद्दों पर भारत और अमेरिका में मतभेद उभरे थे, नेहरू युग में, एक तो सैनिक गुटबंदियां और कोरिया युद्ध। भारत और अमेरिका के मध्य जो मतभेद हुआ था उसके दो मुद्दे थे, सैनिक गुटबंदियां और कोरिया मुद्दे। बांग्लादेश संकट के समय अमरीकी दृष्टिकोण क्या रहा था, बांग्लादेश संकट के समय अमेरिका ने भारत के विरुद्ध युद्धपोत राजनय का प्रयोग करते हुए 7वां जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजकर भारत को प्रत्यक्ष से धमकी दी थी। बांग्लादेश संकट के समय की बात है। प्रश्न आ जाता है कि भारत की यात्रा करने वाले किन्हीं दो अमरीकी राष्ट्रपतियों के नाम लिखिए जो भारत आए थे। एक तो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन था और राष्ट्रपति बराक ओबामा भी भारत आए थे। भारत अमरीकी नाभिकीय ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर कितने किसने किए, भारत अमरीकी जो नाभिकीय ऊर्जा समझौता था उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, और उधर से राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। भारत अमेरिका के बीच मतभेद के क्या मुद्दे थे, एक तो सीटीबीटी थी, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बेड ट्रीटी, परमाणु अपशास संधि, और एक था भारत और ईरान के बीच प्रस्तावित गैस पाइपलाइन। इस ये दो मुद्दे जो थे मतभेद के मुद्दे थे भारत और अमेरिका के बीच में। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति क्या है, शीत युद्ध का अंत। क्या है, शीत युद्ध का अंत अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक नई प्रवृत्ति है, शीत युद्ध का अंत। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति बताइए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक और नई प्रवृत्ति, एक ध्रुवीय विश्व तथा बहुध्रुवीय की ओर उन्मुखता, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति, एक ध्रुवीय विश्व तथा बहुध्रुवीयता की ओर, एक ध्रुवीय विश्व से बहुध्रुवीयता की ओर जो उन्मुखता है वो भी एक अंतर्राष्ट्रीयता की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्ति है। किस घटना के बाद एक ध्रुवीय विश्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन्मुख हुई, किस घटना के बाद, और वो हुई थी खाड़ी युद्ध के बाद। खाड़ी युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय विश्व की ओर उन्मुख हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय नवगठित संगठन कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सक्रिय नवगठित संगठन, एक तो है G8 है, G20 है, APEC है, G15 है, ये नवगठित संगठन है, नवगठित संगठनों का नाम पूछा जाता है। तो प्रश्न आ जाता है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन के निर्माण का विचार किसने, किसके मस्तिष्क में आया, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन एपेक, एशियन आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण किसके मस्तिष्क में आया, और एपेक के गठन का विचार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉंक के मस्तिष्क में आया था। अगर नाम में कोई बोलने में थोड़ा मिस्टेक रह जाए तो आप सुधार कर लेना। खाड़ी युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का सपना किसने देखा, खाड़ी युद्ध के बाद नई विश्व व्यवस्था का सपना सर्वप्रथम किसने देखा था, वो देखा था जॉर्ज बुश ने। जॉर्ज बुश ने खाड़ी युद्ध की समाप्ति के साथ ही एक नई विश्व व्यवस्था का सपना सर्वप्रथम देखा था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तीन नवीन प्रवृत्तियां लिखी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तीन नवीन, एक तो साम्यवाद का अवसान यानी अंत,
पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र की बहार और सोवियत संघ का बिखराव, ये तीन नवीन प्रवृत्तियां थी। वह संगठन जिसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक माना जाता है, वह संगठन जिसे अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदलते परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक माना जाता है, वो है नाटो। कौन सा है? नाटो। नाटो सोवियत संघ के विघटन के बाद बदलते परिप्रेक्ष्य में एक अप्रासंगिक है संगठन है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक ऐतिहासिक घटना किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक ऐतिहासिक घटना वह है जर्मनी का एकीकरण, जो 3 अक्टूबर 1990 को हुआ, और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक एक ऐतिहासिक घटना है 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था। 1 जुलाई 2013 से यूरोपीय संघ का सदस्य बनने वाला कौन सा देश है? वह है क्रोशिया। कौन सा है? क्रोशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य है, जो 1 जुलाई 2013 से उसका सदस्य बना, ये 28वां सदस्य। द्वितीय पूर्व एशिया सम्मेलन कहां और कब आयोजित किया गया? द्वितीय पूर्व एशिया सम्मेलन 15 जनवरी 2007 को केबू में, जो फिलीपींस में है, द्वितीय पूर्व एशिया सम्मेलन संपन्न हुआ। बहुद्वीय व्यवस्था का समर्थक देश कौन से हैं? बहुद्वीय व्यवस्था के समर्थक देशों में है भारत, रूस और चीन। बहुद्वीय विश्व की व्यवस्था के समर्थक है और बहुद्वीयता के पक्ष में कारगर कदम 16 मई 2008 को येक्टरनीबर्ग में उठाया गया था। येक्टरनीबर्ग में उठाया गया था 16 मई 2008। सिनाय समझौता कब और किसके बीच हुआ? सितंबर 1975 में मिस्र और इसराइल के बीच में सिनाय समझौता हुआ था, मिस्र और इसराइल के बीच में। पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने हेतु कैंप डेविड में शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाले राष्ट्रपति का नाम, कैंप डेविड में शिखर सम्मेलन जो हुआ था पश्चिमी एशिया में शांति स्थापित करने के लिए, वो थे जिम्मी कार्टर ने। कैंप डेविड शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर 1978 में किया था। कब हुआ था? 1978 में। पश्चिमी एशिया शांति वार्ताओं के में मध्यस्थ की भूमिका अदा करने वाले देश का नाम, पश्चिमी एशिया शांति वार्ताओं, और वो है कौन सा देश है? अमेरिका है। अमेरिका जो है पश्चिमी एशिया शांति वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका अदा करता रहा है। इसराइल और जॉर्डन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 25 जुलाई 1994 को इसराइल और जॉर्डन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, 25 जुलाई 1994 को। अरब इसराइल संघर्ष के तीन कारण, अरब इसराइल संघर्ष के तीन कारणों में एक तो है सीमा विवाद, शरणार्थियों की समस्या और अधिकृत अरब क्षेत्रों को खाली करना, उक्त तीनों अरब इजराइल संघर्ष के प्रमुख कारण है। मैड्रिड सम्मेलन 1991 किससे संबंधित है? मैड्रिड पश्चिम एशिया में अरब इजराइल समस्या के समाधान के लिए 1991 में मैड्रिड सम्मेलन आयोजित किया गया था। मैड्रिड सम्मेलन किसके लिए? अरब इजराइल समस्या से संबंधित है। किससे संबंधित है? पश्चिम एशिया में अरब इजराइल समस्या से संबंधित जो है वो 1991 में मैड्रिड सम्मेलन हुआ था। तृतीय अरब इजराइल युद्ध का युद्ध किसका परिणाम था? तृतीय अरब इजराइल जो युद्ध हुआ था, तृतीय अरब इजराइल युद्ध अकाबा की खाड़ी की नाकेबंदी जो 1967 में की गई थी उसका परिणाम था। 1967 में अकाबा की खाड़ी की नाकेबंदी तृतीय अरब इजराइल युद्ध का परिणाम था, यानी इसकी जो नाकेबंदी का परिणाम क्या हुआ? तीसरा अरब इजराइल युद्ध हुआ था जब नाकेबंदी की गई। तो उम्मीद करता हूं कि ये 40 प्रश्न आपने अच्छे से याद किए हैं। बड़े प्रश्नों का वीडियो शीघ्र ही जारी होगा और पूरा पेपर भी अपलोड किया गया है, आप अवश्य ही प्लेलिस्ट में देखें, वहां आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।